गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान, उनसे मिल लीजिए। और मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा मेरी हो गई है और मेरा हाफ लंच भी कंप्लीट हो गया है। दाल बन गई है, सब्जी बन रही है, बच्चे सब स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड लोग भी, पापा भी एक डेढ़ घंटे में निकल जाएंगे। और मुझे आज मम्मी के यहाँ जाना है, मम्मी घर आ गई हैं अपने, सो उनकी कुछ हेल्प हो जाए। सर्वेंट के भरोसे कितना काम होगा, मुझे जाना पड़ेगा आज। गाइस, मम्मी के पास आ गए हैं। देव को मैं वहीं डायरेक्ट ले आई थी, देव का मैं चेंज कर लूँ। और इधर देखिए कितने सुंदर तरीके से मम्मी ने यहाँ पे सारे गणपति जी डेकोरेट किए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कल आई थी थोड़ा बहुत मम्मी का ड्राइंग रूम सेट करने के लिए, बट वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी वन मंथ के बाद घर आई थी, तो घर में एकदम भूकंप आया हुआ था, तो थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करने के लिए आना ज़रूरी था। मैं कल आई थी लेकिन वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सोचा आज शूट कर दूँ, आज मैं आपको दिखा दूँ कल मैंने क्या क्या किया था। तो ये मैंने यहाँ पे गणपति जी यहाँ डेकोरेट किए थे मम्मी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला ये यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। गाइस, मैं देव को सुलाने आ गई हूँ, आप लोग घबराइए मत, एकदम अंधेरा नहीं हुआ है, मैंने लाइट ऑफ की हुई है और देव यहाँ सोने के मूड में है। और गाइस इधर देखो, ये हम सबके पिक है बचपन की, सब लोग हैं, मम्मी पापा दीदी। मैं लाइट ऑन होगी तो मैं आपको बताऊँगी, अभी मैं इसको सुला दूँगी तो सोएगा नहीं, फिर मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किसी किसकी फोटोज है। और ये देव सो रहा है। गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, ये है मम्मी का ड्राइंग रूम और ये है मेरे बाबा। और अब जो नेक्स्ट पेंटिंग आ रही है, ये मधुबनी आर्ट है, ये भी मम्मी ने बनाया है। इसमें जो कलर है वो आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ के टेबल पर जितने भी शेल हैं और बाउल में शेल हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, सो इनको भी मम्मी ने डेकोर पीस की तरह यूज़ किया है। ये सब मम्मी का ही आइडिया है, मैंने काफ़ी कुछ मम्मी से सीखा है, कैसे डेकोर करते हैं, घर को कैसे क्लीन करते हैं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। और ये देखिए कितना फैंटास्टिक कॉर्नर रेडी हो गया। करेंगे डाइनिंग एरिया की तरफ, ये मम्मी ने शेल्फ रखा हुआ है, ये जाता है उधर वॉशिंग मशीन के पास रहता है, अभी यहीं पे है। और ये अलमीरा है, यहाँ पे सारे क्रॉकरीज मम्मी ने रखी हुई हैं और ज़्यादातर जो क्रॉकरीज हैं वो किचन में रहती हैं, लेकिन ये थोड़ी फाइन वाली है तो ये थोड़ी बाहर रखी हुई है और डेली यूज़ वाली अंदर किचन में है। मैं यहाँ पे एग करी बना रही हूँ, मम्मी गई है वॉशरूम गई है, मैंने कहा चलो एग करी फिर हाथ साफ किया जाए, तो देव और मम्मी एग करी खाएंगे, मैं खाली बॉइल्ड एग खाऊँगी। अब मेरा जो मसाला है वो भुन चुका है, मैं उसमें एग डालने वाली हूँ, एग में फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मैं डायरेक्ट एग डाल दूँगी। गाइज़, लंच हो गया, देव का भी हो गया, मम्मी का भी हो गया, हम लोग आ गए रूम में। अभी पापा आ चुके हैं, फ्रेश होने गए हैं, मैं और मम्मी आराम से गॉसिप कर रहे थे, पुरानी पुरानी बातें याद की जा रही थी। और ये देखिए इनसे मिलिए, इनको तो आप जानते ही हैं, ये अपना पूरा टाइम मोबाइल में देते हैं और अभी कैमरे के सामने खुद को ऐसी सेटिंग की है कि
मैं खुद आऊं, और ऊपर से खूब तरह तरह के पोज दे रहा था और मुझसे कह रहा है कि धीमे बात करो। तो मैंने उसको 3-4 टीप लगा दी थी, मम्मा मैं वीडियो बना रहा हूँ, धीमे बात करो, मेरे वीडियो में डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको मज़ा आ गया था मैंने जब टीप लगाई, और उसकी बदमाशियाँ चल रही थी। अभी वीडियो के सामने दिखाएगा कि कौन सा गेम खेल रहा हूँ, और इधर उधर नानी से भी कह रहा था धीमे बात करो नानी। ये इनकी मस्ती चल रही है गाइस कैमरे के सामने। अब लो इधर भी आप लोग देखिए ज़रा, अब ये दिखा रहे हैं कैमरे के सामने कि मैं कौन सा गेम देख रहा हूँ। और इधर मैंने ड्राइवर को बुला लिया था, ड्राइवर आ चुका है, हम लोग अब जा रहे हैं घर यानी कि ससुराल। बहुत मज़ा आया, जितना भी टाइम मायके में रहता है वो उतना ही कम लगता है गाइस। और गाइस मैं घर पे आ गई हूँ, और मैंने देव को बोला है कि अब कुछ होमवर्क किया जाए, और अभी को मैं बोलने जा रही हूँ कि जाके ऊपर ट्रेडमिल चला दे। मैं आई तो देखा लैपटॉप में बिजी था, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हुई थी, लेकिन अब वो जा रहा है रेडी होके ऊपर ट्रेडमिल चला के, तब आएगा फिर दूध पिएगा। ये अभी से मिल लीजिए आप लोग, अभी जा रहे हैं ऊपर वर्कआउट करने के लिए, फिर ये आएंगे फिर अपना दूध वूध पियेंगे। सो देव अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, उसे कुछ होमवर्क मिले थे तो उसे देव कर रहा है। उसके साथ छवि भी बैठी हुई थी, छवि अभी भाग गई है क्योंकि उसे परी दिख गई थी, तो उसके पीछे पीछे भाग गई है। और अभी यहाँ पे देव अकेला हो गया है, देव का मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जय नहीं जल्दी जल्दी कंप्लीट करो फिर उसके बाद खेलना। और गाइस आप लोगों की चाय वाय हो गई कि नहीं? मेरी चाय तो घर पे ही हो गई थी, मम्मी क्या पिलाया था, छोटू ने बहुत ज़्यादा चाय दे दी थी, सो मैं यहाँ पे आके मैंने चाय नहीं पी। सोनम ने ऑफ़र किया था चाय के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मैं पी के आई हूँ बहुत ज़्यादा वाली चाय, इसलिए तुम पी लो। और नाइट का मीनू अभी पता नहीं क्या बनेगा, जो भी बनेगा मैं आपको बताऊँगी। छवि भी आ गई है पढ़ाई करने, ये पढ़ाई नहीं कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये कलर से। हाँ देव इसको पढ़ा रहा था लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, है ना छवि? क्यों छवि देव को मुझे आज पढ़ाना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो रहा है उसको। उसको ऐड करना तो आता है, वो कितना उसको स्टैंडिंग लाइन करके और उतना माइनस करना वो उसको आ नहीं रहा है, काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने रफ कॉपी में उसको बोला भी है कैसे करना है, लेकिन उसके सिर के ऊपर से उड़ जा रहा है। सो गाइज़ मैं उसको बना रही हूँ, मतलब बताने जा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मेरा भी माइंड खर्च होगा, तो वीडियो में अभी थोड़ी सी लेट हो जाएगी, कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। अभी खाने के बारे में भी बताना है कि क्या मेनू डिसाइड हुआ है। सो गाइस स्टडी ओवर हो गई है, तो मैं आपको बता दूँ कि डिनर में बन रहा है नॉनवेज, नॉनवेज मतलब कि चिकन, और चिकन घर पे नहीं बन रहा है, बाहर निखिल बनाया है, वहाँ पे मैरिज हॉल है हम लोग का, वहाँ पे निखिल ने बनाया हुआ है, और वही आएगा अच्छे से पैक होके। अब लेट्स सी स्कूटी से वो कैसे लाता है बच्चों के लिए, और सब जेंट्स ही खाएंगे, पापा नहीं खा रहे हैं, और बाकी सब सारे जेंट्स और बच्चा पार्टी सब लोग चिकन खा रहे हैं। सो गाइज जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो किस तरीके से आएगा। आई एम श्योर वो बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि चिकन का मामला है स्कूटी से हैंडल विद केयर। सो बने रहिएगा चिकन को देखने के लिए, खाने को भी मिलेगा थोड़ा बहुत। और ये गाइस ये कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट का पार्सल नहीं आया है, ये है चिकन आया है, कितने अच्छे से उसने भेजा है, भेजा नहीं है सॉरी लेके आया है खुद निखिल स्कूटी से लेके आया है। और इसका कलर देखिए कितना ऑसम लग रहा है गाइस, आप लोगों के मुँह में ज़रूर पानी आ गया होगा। और यहाँ भी बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सबसे पहले बच्चा लोग बैठे हैं अपना डिनर फिनिश करने के लिए, इधर डिनर फिनिश हो रहा है और ये लोग भी कुछ खा रही हैं, सैलेड खोल के खा रही हैं। देव को मैं अंदर ले आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था, और देव को मैंने कहा कि अपनी पिलो वगैरह अरेंज करो, तो ये अपनी पिलो लगाता है, गलती से भी हमारी पिलो या अपने पापा की पिलो नहीं लगाएगा, अपनी पिलो लगाएगा। तो ये सोने की मूड में है, इनका मन तो नहीं लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा था। सो गाइस देव ने अपना डिनर फिनिश कर दिया है और देव बहुत हैप्पी मूड में है क्योंकि देव को चिकन बहुत पसंद आया है। अब देव को मैं ले आई हूँ रूम में, अभी तो
हॉल में बहुत ही चहल पहल है, बहुत गुलजार है हॉल, कोई सोने का भी नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी उठना है ना, 6 o'clock पे उठना होता है, तो मैं इसको ले आई हूँ और ये फटाक से आ जाए। थोड़ा नाइट वाला सीन क्रिएट करना है, लाइट ऑफ करना है एकदम सन्नाटे में, तभी जाके सोएंगे। सो होप सो गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो लोग भी ज़रूर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।